हेलो फ्रेंड्स, महताब टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज की हमारी वीडियो है फ्रिज के सिस्टम के बारे में। तो आज हम ये समझेंगे कि हमारे फ्रिज में ये मैकेनिकल सिस्टम किस प्रकार से काम करता है और इसके जो मैकेनिकल सिस्टम में जो पार्ट्स यूज होता है उसके नाम क्या है और उसका क्या काम है। तो आज हम जानेंगे सारा सब कुछ इसी वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। तो ज़्यादा देर ना करके ये वीडियो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, फ्रिज में मैकेनिकल सिस्टम में जो हमारे पार्ट्स यूज होते हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। इसका नाम है कंप्रेसर। ये हमारा कंप्रेसर है, ये आप देख सकते हैं, ये कंप्रेसर है। और दूसरा हमारा आप देख सकते हैं ये, इसको बोलते हैं कंडेंसर। ये कंडेंसर है, ये आप देख सकते हैं, ये जो जाली है इसको कंडेंसर कहते हैं। और इसके बाद ये हमारा जो लगा हुआ है ये कूलिंग कॉइल है। ये जो फ्रिज के अंदर होता है और इसमें क्या है, बर्फ जमती है जिसके वजह से पूरे फ्रिज में हमारी ठंडक आती है। इसको कूलिंग कॉइल भी कहते हैं और फ्रीजर भी कहते हैं। तो ये हो गया है। और हमारा एक ये है फिल्टर, ये आप देख सकते हैं, इसको फिल्टर कहते हैं, ये फिल्टर है। और एक ये है, ये पतला आप तार जैसा जो देख रहे हैं, ये बहुत बारीक पाइप है, यानी इसके अंदर होल होता है, ये पाइप है एक हिसाब से। इसका नाम है कैपिलरी। तो ये हमारे जो है मैकेनिकल पार्ट्स में यूज होते हैं। ये फ्रिज के जो हमारे मैकेनिकल पार्ट्स हैं वो ये हैं। तो इसको अभी हम आपको ये बताएंगे कि ये किस प्रकार से काम करता है, हमारा ये पूरा सिस्टम कैसे काम करता है, कि जिससे हमारी किस प्रकार से गैस घूमती है, घूम के कहाँ जाती है और किस हिसाब से हमारी कूलिंग आती है। और ये जो सारे पार्ट्स मैंने बताए हैं ये कहाँ कहाँ पे लगाए जाते हैं। हाँ, तो फ्रेंड्स, आप ये जितने मैंने आपको पार्ट्स बताए हैं जो हमारे मैकेनिकल सिस्टम में यूज होते हैं फ्रिज के, तो देखिए ये हमारा है फ्रीजर है जो हमारा कूलिंग कॉइल है, और ये हमारा कंडेंसर है जो अभी आपको जाली दिखाया था, ये कंडेंसर है, और ये हमारा कंप्रेसर है। तो अब इसका आपको हम कनेक्शन बता देते हैं कि कैसे हमको इसका पाइप एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो हम बताते हैं, ये हमारा कंप्रेसर है, ये कंप्रेसर में तीन पाइप होते हैं। तो इधर वाला जो पाइप होता है इसको हम कहते हैं रिटर्न पाइप। सबके ये पाइप के तीनों के नाम अलग अलग हैं। ये रिटर्न पाइप है और जिससे हमारा प्रेशर निकलता है, यहाँ से हमारा प्रेशर निकल कर सीधे ये कंडेंसर में जाता है। तो ये हमारा है डिस्चार्ज पाइप, जिससे प्रेशर निकलता है वो डिस्चार्ज पाइप है, और जहाँ से हम गैस चार्ज करते हैं ये हमारी चार्जिंग लाइन है, यानी कि यहाँ पे हमारा जो पाइप है यहाँ से हम गैस डालते हैं। तो देखिए, यहाँ से हमारा जो कंप्रेसर से डिस्चार्ज लाइन से ये हमारा जो है प्रेशर निकलता है, ये प्रेशर हमारा घूमते हुए कंडेंसर से इस प्रकार से ये घूमता हुआ सीधे ये लास्ट वाले पाइप में, यहाँ पे जो है हमारा एक फिल्टर लगा रहेगा। जैसे अभी मैंने आपको फिल्टर दिखाया है, तो ये फिल्टर हमारा ये कंडेंसर में लगेगा और यहाँ से एक बारीक पाइप जाएगा जिसको अभी हमने दिखाया था, उसको कैपिलरी कहते हैं। ये जो कैपिलरी ये फिल्टर से होते हुए सीधे हमारी जाएगी ये फ्रीजर में। ये फ्रीजर में भी हमारा क्या है, घूमता हुआ पाइप लगा होता है जिसके अंदर से गैस घूमती है और उसी वजह से हमारी ठंडक आती है। तो एक सिरे पे ये हमारी कैपिलरी लग जाएगी और जो ये घूमते हुए जो इसका लास्ट वाला पाइप होगा जिसको हम कहते हैं रिटर्निंग पाइप, ये हमारा सीधे घूम के आके ये हमारे कंप्रेसर में, ये जो रिटर्निंग वाला पाइप है इसमें ज्वाइंट हो जाएगा। तो अभी ये इसका कैसे सिस्टम चलता है, यानी कि ये इसमें अंदर जो गैस होती है वो पूरे सिस्टम में घूमती है, यहाँ से गैस चलती है पूरा घूमते हुए कंडेंसर से, ये आ जाती है हमारे फ्रीजर में घूमती हुई, फिर ये रिटर्न फिर हमारे कंप्रेसर में आ जाती है। तो इसको जो है घूमती ही रहती है गैस, इस प्रकार से ये हमारा सिस्टम जो है ये काम करता है। तो ये हमारा सिस्टम का जो है तरीका है कि जिस हिसाब से हमारा जो मैकेनिकल सिस्टम है वो काम करता है। इसका सिस्टम केवल ये हमारा प्रेशर से होता है।
अगर कंप्रेसर का प्रेशर डाउन हो जाएगा तो ना तो हमारी ठंडक आएगी और ना ही कोई भी काम होगा। और जब हमारी फ्रिज में गैस डालते हैं या सिस्टम में हम जब गैस डालते हैं तो क्या होता है, ये जो हमारा कंडेंसर है ये हीट होता है और हमारी कूलिंग कॉइल के अंदर ठंडक आना चालू होती है। तो ये सिस्टम हमारा जो है इसी प्रकार से काम करता है। तो अगर ये हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।